तो इस क्वेश्चन को देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली इसमें क्या है कि एक रिंग है विच कैन स्लाइड ऑन स्मूथ वायर, ये वायर है हम लोगों का और इस पे एक रिंग स्लाइड कर रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द रिंग व्हेन स्ट्रिंगिंग थीटा विद द वायर एंड इट इज गोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड विथ स्पीड बी। तो किसी भी इंस्टेंट अगर आप देखोगे, किसी इंस्टेंट अगर सिचुएशन को एनालिसिस करोगे, एनालाइज करोगे, तो आपको मिलेगा कि यहाँ से एक वायर है, उस वायर पे एक यहाँ से एक स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग एक पुली से यहाँ से अटैच है और इससे एक ब्लॉक है। तो किसी इंस्टेंट दिस इज द ब्लॉक, इंस्टेंटेनियस पोजीशन अगर आप देखोगे ब्लॉक का, दिस इज द ब्लॉक, और इसका अगर इंस्टेंटेनियस पोजीशन देखोगे तो ये वी स्पीड से जा रहा है और हमें निकालना है ये रिंग स्लाइड। फाइंड द स्पीड ऑफ द रिंग, रिंग की स्पीड। तो बेसिकली जब ये किसी इंस्टेंट ये एंगल थीटा होगा तो रिंग की स्पीड इधर होगी, दैट इज उसको मैं वी डैश मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ब्लॉक, अब हमको कॉन्सेप्ट पता है कि ये अगर इस वी डैश के कंपोनेंट करूँ तो एक कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग आएगा, वन कंपोनेंट विल कम अलोंग द स्ट्रिंग दैट इज वी डैश कॉस थीटा एंड वन कंपोनेंट विल कम परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग दैट इज वी डैश साइन थीटा। तो वी डैश साइन थीटा और वी डैश कॉस थीटा वो रिंग की जो वेलोसिटी है जो हॉरिजेंटल थी उसके हॉरिजेंटल उसके दो कंपोनेंट आ गए। अब हम लोग को कॉन्सेप्ट है कि कॉन्सेप्ट है एलोंग द स्ट्रिंग, एलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी स्पीड, एलोंग द स्ट्रिंग स्पीड रिमेंस सेम, स्पीड रिमेंस सेम, दिस इज द कॉन्सेप्ट एलोंग द स्ट्रिंग स्पीड रिमेंस सेम। तो स्ट्रिंग कुछ ऐसे है, देख रहे हो आप, अगर अच्छे से देखोगे तो ये जो स्ट्रिंग यहाँ पे इस इंस्टेंट पे स्ट्रिंग कुछ ऐसे है और ऐसे पुली से पास होगी। तो ये कंपोनेंट जो वी डैश कॉस थीटा आया वो भी स्ट्रिंग के अलोंग आया और इधर पहले से एक स्पीड भी थी। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एलोंग द रोप वायर स्ट्रिंग वेलोसिटी स्पीड सेम होती है तो वी डैश कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू वी, सो वी डैश इज इक्वल टू वी अपॉन कॉस थीटा, दिस इज